जम्मू कश्मीर जाने का कारण यह था कि जम्मू कश्मीर दुर्भाग्य से एकमात्र इस देश का राज्य है जिसका मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहराया जाए इसका विरोध करता है। किसी और कोई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विरोध नहीं किया, कलकत्ता से शुरू हुई तो वहां के साम्यवादी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विरोध नहीं किया, उत्तर प्रदेश में से निकली तो मायावती जी ने विरोध नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुडा ने विरोध नहीं किया, शीला दीक्षित ने विरोध नहीं किया, बादल साहब और धूमल साहब ने विरोध नहीं किया, क्योंकि आप एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनको विरोध लगता है। मैंने बार बार कांग्रेस के मित्रों से नेताओं से भी पूछा कि आपने जम्मू की सीमा से पहले इनको रोक दिया, सुषमा जी को और मुझे पकड़ लिया, जम्मू में तो कोई तकलीफ नहीं थी, आप जम्मू में क्या संकेत देना चाहते थे? कांग्रेस के मित्र उसको हंस के टाल देते थे, लेकिन मुझे उत्तर मालूम था और इसका उत्तर यह था कि उमर अब्दुल्ला अलगाववादियों को संकेत दे रहे थे, देखो मैंने जम्मू कश्मीर की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय ध्वज लहराने की अनुमति नहीं दी है। यह उनका वैचारिक दृष्टि पर समर्पण था अलगाववादियों के सामने, इट वॉज हिज साइकोलॉजिकल सरेंडर टू द सेपरेटिस्ट। मैं आपकी नजरों में अपनी स्वीकृति बढ़वाना चाहता हूं, देश में मेरी स्वीकृति चाहे समाप्त हो जाए, इसलिए वो अलगाव, आपने अगर दृश्य देखा होगा एक तरफ दिखलाते थे कि आरपी सिंह और शिखा अपने साथियों के साथ डल गेट के ऊपर ध्वज निकालते हैं और पिटाई करते हुए इनको पुलिस की गाड़ियों में थोप देते हैं, लेकिन यासीम मलिक तो लाल चौक तक पैदल चलते हुए अपना झंडा लिए हुए पहुंच जाता है, उसको तो आप लोगों ने गाड़ियों के अंदर डालते हुए नहीं देखा टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर। मैं राष्ट्रवादी ताकतों को जम्मू कश्मीर की भूमि पे ध्वज नहीं लहराने दूंगा, ये संकेत था उनका, समर्पण था उनका अलगाववादियों के सामने। और कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल जिसकी कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, जो इस गलती को स्वीकार नहीं कर रहा, 6 साल शेख साहब के कहने पर कश्मीर नीति बनाई, 6ठे साल के अंदर आकर उनको 22 साल के लिए अंदर कर देना, ये जिस दल की दृष्टिकोण था जो आज भी ईमानदारी से आकलन नहीं कर पा रहा। मेरी बीसीओ कांग्रेस के मित्रों से बात होती है निजी स्तर पर, जब देश का हित आता है कई बार वो ये भी कह देते हैं हम जानते हैं कि कश्मीर पे आपकी नीति सही थी, लेकिन इस ईमानदारी को राजनीतिक दल के नाते वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। और जब उमर अब्दुल्ला ये कर रहे थे तो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार ट्रेन हाईजैक कर लो, अरे रेल और जहाज को हाईजैक करना तो अपराध होता है, 64 लाख रुपए हमारे लोगों ने जमा करवाए, कर्नाटक से 2500-3000 लोग उस रेल में बैठकर जम्मू आएंगे, इंजन आगे की बजाय पीछे लगा दिया और गाड़ी दूसरी दिशा में चला दो, ये हाईजैक है, ये पहला उदाहरण है हाईजैकिंग तो सरकार करवा रही थी, ये कल्पना है। और इस परिस्थिति में मैं मानता हूं कि अगर इस देश में एक राजनीतिक मुद्दा ऐसा है जिस पे आक्रामक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को बहस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का विश्वास रहना चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल जी ने, अटल जी ने कश्मीर के संबंध में सोच बनाई थी वो इस देश के हित की सोच थी। और इस विषय पर हम याद रखें बहुत सारे राजनीतिक दल कोई हमारे साथ नहीं है, कोई 2-4 हमारे साथ हो बाकी हमारे विरोध में, तो कई बार लोग हमें कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर आप अकेले पड़ जाते हो, लेकिन यह अकेलापन बहुत नशीला इसलिए है कि इसमें राजनीतिक नेता साथ ना हो लेकिन जनता इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से हमारे साथ होती है। मैं अंग्रेजी में कहता हूं वी आर आइसोलेटेड ऑन आवर स्टैंड ऑन कश्मीर बट इट्स अ मैजेस्टिक आइसोलेशन, जहां जनमत हमारे साथ में है और देश का हित हमारे साथ है। यह विषय कभी
किसी धर्म मजहब का नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये देश की एकता का है। और इसको लेकर 63 वर्षों का इतिहास हमारे पक्ष में गवाह की तरह खड़ा है। और जब जब यह विषय आएगा, इसकी समझ, इसके सब पहलुओं की समझ आक्रमकता से हम रखें, लेकिन एक विषय स्पष्ट रूप से रखें, जो बार बार सुषमा जी और मैं कह भी रहे हैं, मैंने लिखा भी है कई बार इस पे, वहां की जनता चाहे जम्मू की हो चाहे कश्मीर घाटी की हो, उन लोगों के जनजीवन पे भी इसका असर पड़ा है, उनकी तकलीफ है, हिंसा से, आतंक से, कन्फ्रंटेशन से उनको तकलीफ पहुंचती है, उनके दुख और पीड़ा को कम करने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, वहां शांति का माहौल लाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम उन कदमों का स्वागत करेंगे, लेकिन हम लोगों के पक्ष में होंगे, आतंकवादी और अलगाववादियों के घोर विरोधी होंगे। और इसलिए अलगाववादियों के हक में कोई कदम सोचा जाएगा कि राज्यपाल का नाम बदल के सदर रियासत कर दो, ऑटोनॉमी ले आओ, कुछ अधिकार केंद्र से लेकर राज्य को दे दो, केंद्र के पास अधिकार है कितने, डिफेंस, सिक्योरिटी, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये 5 अधिकार हैं सिर्फ, बाकी सब राज्य के पास है। और 53 के बाद 2 अधिकार और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, और 75 में जो इंदिरा जी का और शेख साहब का फैसला हुआ, उसके बाद आतंकवाद से निपटने का अधिकार केंद्र के पास है। इन 8 अधिकारों के अलावा कोई 9वां अधिकार नहीं है। तो जो लोग ऑटोनॉमी की, सेल्फ रूल की बात करते हैं, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं, उनमें से कौन सा अधिकार है जो हम केंद्र छोड़ सकता है? आप केंद्र सरकार को इतना बेचारा, इतना कमजोर करना चाहते हैं कि देश को एक ना रख पाए? यह उद्देश्य था। और तिरंगा यात्रा क्यों, जो ये प्रश्न पूछते हैं, इतिहास की इस भूल को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम उठाती रहेगी, इस देश को याद दिलाती रहेगी, और जिन लोगों ने यह समस्या पैदा की है उन लोगों के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़े करती रहेगी। ये हमारे दल का उद्देश्य है। आरंभ से एक राष्ट्रवादी दल होने के नाते हम इस विषय को उठाते रहे हैं, और हमारे जो भी कार्यकर्ता दिल्ली से और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सारे देश से गए, वो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बधाई के पात्र है। और अंत में एक बार फिर दिल्ली के जो दोनों प्रमुख कार्यकर्ता और अन्य युवा साथी वहां पर गए, उन सब का मैं आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।